आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे डिस्कशन करना। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कई चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया था, MSC मॉलिक्यूल का हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। या मैं डायरेक्टली इसी को देखते हैं, हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड करते हैं, और वो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास जो भी इम्यून सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं, और एक्सप्रेस होने के बाद कोई भी एंटीजन होता है तो उसके साथ ये बाइंड करते हैं, रिसेप्टर की तरह से काम करते हैं और उस एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद उन सारे एंटीजन्स को ये ले जा करके टी सेल और बी सेल को प्रेजेंट करेंगे, और टी सेल बी सेल्स फिर इस तरह से एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होकर के इम्यून रिस्पॉन्स जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके डायग्राम को देख लिया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने देख लिया था। आज हम इसके टाइप और फंक्शन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जनरली देखा था कि जनरली तीन तरह के MSC मॉलिक्यूल होते हैं। इसके टाइप की बात अगर करें हम तो तीन तरह के MSC मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। MSC क्लास वन, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। तीन तरह के MSC मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो स्ट्रक्चर हमने बताया था कि जो MSC क्लास फर्स्ट होता है, ये MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल हैं जो जनरली जितने भी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेस ऑन ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स। सभी न्यूक्लियेटेड सेल्स के ऊपर ये एक्सप्रेस होते हैं। और भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो टाइप वन मॉलिक्यूल हैं, ये दो तरह के यूनिट से मिलकर के, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, अल्फा और बीटा पेप्टाइड से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें से बीटा पेप्टाइड जो है इसे हम माइक्रोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, और इस अल्फा के फिर तीन सब यूनिट होते हैं अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री। ये तीनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इस अल्फा चेन के यानी अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके पास तीन तरह के डोमेन होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पर मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन जो कि कहाँ पर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है या ECM में पाया जाता है, दूसरा इसके पास प्रॉक्सिमल डोमेन भी होता है जो कि मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। यहां पर पहला सेगमेंट ये हो गया जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, दूसरा सेगमेंट ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, या इसी को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट कहते हैं, ये जो दिख रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और तीसरा ये साइटोप्लाज्मिक टेल। तो तीन रीजन होता है, ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि ये जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी ग्रुप पर आकर के जो भी एंटीजन होते हैं इसी ग्रुप पर आकर के वो बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अब ये डायरेक्टली लेकर के जाता है टी सेल और बी सेल के सरफेस पर, वहां पर उनको प्रेजेंट करेगा और बाकी की जो इम्यून रिस्पॉन्स होंगी वहां से क्रिएट होंगी। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। तो यहां पर जो
क्लिफ्ट का फॉर्मेशन पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट या एंटीजन बाइंडिंग क्लिफ्ट कहते हैं इसे। इस पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट का फॉर्मेशन अल्फा 2 और अल्फा 1 करते हैं, जबकि क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट का फॉर्मेशन है वो कौन करता है? अल्फा 1 और बीटा 1। अल्फा 1 और बीटा 1 सब यूनिट मिलकर के यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एक और डिफरेंस है कि यहां पर जो केवल अल्फा चेन ही, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के पास ही तीन तरह के डोमेन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डोमेन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स डोमेन, जबकि बीटा चेन के पास यहां पर इस तरह की कोई डोमेन्स नहीं होते हैं, केवल और केवल एक्स्ट्रा सोलर डोमेन ही होता है, जबकि यहां पर अल्फा और बीटा दोनों के पास तीनों तरह के रीजंस होते हैं, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। तो आइए अब इसके हम स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर चुके थे, बाकी के हम पोर्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा था क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल कहां पर एक्सप्रेस होते हैं, क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल के जो जीन है इनकोड ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लियेटेड सेल्स। ये क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं या जितने भी जीन होते हैं, जब भी वो इनकोड करते हैं तो ऐसे प्रोटीन को इनकोड करते हैं, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड करते हैं जो लगभग सभी न्यूक्लियेटेड सेल्स के ऊपर, सभी न्यूक्लियेटेड सेल के ऊपर ये एक्सप्रेस होते हैं। दूसरा, इसके पास दो तरह के चेन होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, एक अल्फा चेन जो कि नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है बीटा चेन के द्वारा, यानी जो नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा, यानी ये दोनों आपस में नॉन कोवेलेंटली अटैच होते हैं। तो एक तो हो गया अल्फा चेन और दूसरा बीटा चेन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्फा और बीटा चेन एसोसिएशन ऑफ अल्फा एंड बीटा 2 ग्लोबुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एमएससी क्लास फर्स्ट। इनका आपस में एसोसिएशन होना एमएससी क्लास फर्स्ट के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम, तो यहां पर एक ठीक जो अल्फा मॉलिक्यूल है, अल्फा चेन है, इसके पास तीन डोमेन होते हैं या थ्री टाइप के डोमेन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं थ्री सब पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, सब यूनिट से बना होता है, जिसमें आप देख पा रहे हो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, जबकि जो हमारा बीटा है उसमें सिर्फ बीटा 2 होता है। अब यहां से जो ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है, ये सब यूनिट, इसमें से अल्फा 1 और अल्फा 2 आपस में एसोसिएट होकर के, रिएक्ट होकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्ट होकर के एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट कहते हैं। इस ग्रुप को पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, इट कैन बाइंड्स एंटीजन ऑफ 8-10 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप क्या करता है, जो भी एंटीजन है यानी उन एंटीजन को 8-10 अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड लॉन्ग जो भी एंटीजन होंगे, एंटीजन, उनकी बाइंडिंग के लिए ये इनफ होता है। तो यहां पर उनको बाइंड कराता है, बाइंड कराने के बाद अब इसे प्रेजेंट करेगा, इसे ले जाकर के प्रेजेंट करेगा किसके साथ, सीडी या हेल्पर टी सेल के पास, हेल्पर टी सेल्स को ले जाकर के उनको प्रेजेंट करेगा, और वो एक्टिवेट होकर के फिर दूसरे सेल्स के प्रोलिफेरेशन, यानी जो टी लिम्फोसाइट है उनका प्रोलिफेरेशन करते हैं, और प्रोलिफेरेशन से कई तरह के टी सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, और वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को या तो किल कर देते हैं या फिर उन्हें
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुल मिलाकर के उस एंटीजन को ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा सब यूनिट की। तो जो बीटा सब यूनिट है इसे माइक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। माइक्रोग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन एनकोडेड बाई हाई कंजर्व्ड जीन लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। जो बीटा सब यूनिट है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन है, वो सिमिलर होता है अल्फा थ्री के, यानी अल्फा थ्री जो डोमेन है उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीटा टू ग्लोबुलिन डज नॉट कंटेन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। बस डिफरेंस इसमें क्या है कि इस बीटा टू के पास कोई भी ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन नहीं होता, जबकि इसके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। इसके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और इसके पास ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन नहीं होता है, और ये नॉन कोवेलेंटली लिंक होता है अल्फा चेन के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग अल्फा चेन और बीटा चेन के बारे में बात किए। अब इसी के साथ हम इसके फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एमएससी क्लास फर्स्ट का फंक्शन क्या है? तो जो मेजर फंक्शन इसका है, फर्स्ट द मेजर फंक्शन ऑफ एमएससी क्लास फर्स्ट इज टू बाइंड पेप्टाइड एंटीजन। इसका मेजर फंक्शन जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है एंड प्रेजेंट टू CD8 टी सेल। CD8 टी सेल यानी हेल्पर सेल को ये डायरेक्टली ले जाकर के प्रेजेंट करेगा। तो जैसे ही हेल्पर टी सेल को ये प्रेजेंट करता है, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक्टिवेट होकर के बाकी के जो टी लिम्फोसाइट हैं, बाकी के जो भी टी लिम्फोसाइट हैं उनका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा देते हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा और इनके प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन प्रोलिफेरेशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ और इनके डिफरेंशिएशन और प्रोलिफेरेशन से कई तरह के सेल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा, जैसे किलर टी सेल्स सप्रेसर टी सेल, इसी तरह से मेमोरी टी सेल्स। तो इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जो CD4 सेल हैं या हेल्पर सेल होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं एमएससी फर्स्ट एंटीजन के लिए। एमएससी क्लास फर्स्ट एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एमएससी फर्स्ट बाइंड इंडोजिनेशियली, मतलब आंतरिक रूप से इट बाइंड्स इंडोजिनियसली एंटीजन एंड प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, उसके साथ उस एंटीजन जो भी आंतरिक एंटीजन है उसके साथ बाइंड करते हैं और इसे हेल्पर टी सेल को के पास एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, ये कहां पर पाए जाते हैं, हमने पहले ही बता दिया है, ये सभी न्यूक्लियेटेड सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, उनके फंक्शन क्या है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमएससी क्लास सेकंड को। एमएससी क्लास सेकंड के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एमएससी क्लास सेकंड, तो ये भी एमएससी क्लास सेकंड इज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस प्राइमरली ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है, तो ये कहां पर, वो हमने देखा है एमएससी क्लास फर्स्ट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग सभी न्यूक्लियोटेड सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं, जबकि क्लास सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ही एक्सप्रेस होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हुए, एक तो मैक्रोफाज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स, इनके सरफेस पर ये एक्सप्रेस होते हैं। और एक्सप्रेस होने के बाद
अब एंटीजन इसके ऊपर आकर के अटैच होते हैं, मैक्रोफाज उसको एंगल्फ करके धीरे धीरे फ्रेगमेंटों में तोड़ देते हैं। अब वही फ्रेगमेंट जा करके बी सेल को एक्टिवेट कराता है और बी सेल एक्टिवेट होकर के फिर वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और साथ ही साथ मेमोरी सेल का भी फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसी में आगे हम उसको देखेंगे उसके फंक्शन में। एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल कंटेन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके पास भी दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा और बीटा। इनके पास भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, अल्फा एंड बीटा। इस अल्फा के भी दो सब यूनिट होंगे, यानी अल्फा वन एंड अल्फा टू, और इसी तरह से बीटा वन और बीटा टू, दोनों के दो दो सब यूनिट हैं। तो यहां पर ये भी अल्फा और बीटा चेन से बने होते हैं और दोनों ही नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में एसोसिएटेड होते हैं। अल्फा एंड बीटा चेन की बात करेंगे अगर हम, तो यहां पर ठीक है, अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ एमएससी क्लास सेकंड इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोप्रोटीन। यह भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं दैट कंटेन एक्सटर्नल डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों के ही तीनों तरह के डोमेन्स पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन, यानी तीनों तरह के डोमेन्स इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये अल्फा और बीटा चेन दोनों के दो दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन और बीटा टू। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट का फॉर्मेशन होता है, द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट इज ए ओपन इनकोडेड ग्रुप फॉर्म्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन। अल्फा वन और अल्फा बी, अल्फा वन और अल्फा टू के बीच में ये बनता है। द क्लिफ्ट कैन बाइंड एंटीजन पेप्टाइड, एंटीजेनिक पेप्टाइड। यहां पर 13 to 18 अमाइनो एसिड लॉन्ग एंटीजन यानी 13 टू 18 अमाइनो एसिड का लॉन्ग अगर कोई एंटीजन है तो वो भी इसके साथ बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात हम कर लेते हैं, एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है। द मेजर फंक्शन ऑफ एमएससी क्लास सेकंड इज टू बाइंड पेप्टाइड एंटीजन। ये पेप्टाइड एंटीजन के साथ बाइंड करता है एंड प्रेजेंट टू CD4 सेल्स। CD4 सेल का मतलब यहाँ पर ये बी सेल को प्रेजेंट करता है, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करता है, जबकि वो कैसा था, क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल CD8 सेल को प्रेजेंट करता था। नेक्स्ट ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर ये एक्सप्रेस होते हैं या पाए जाते हैं। CD4 सेल्स ये स्पेसिफिक होते हैं क्लास सेकंड मॉलिक्यूल के, एमएससी क्लास सेकंड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट बी सेल्स फॉर द एंटीजन प्रोटेक्शन, यानी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए बी सेल को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। इसी के साथ साथ यदि बी सेल एक्टिवेट होते हैं तो बी सेल एक्टिवेट होकर के एक तो प्लाज्मा सेल बनाएंगे, प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा सेल हैं ये फिर एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी, और इसी में साथ ही साथ दूसरा एक और सेल को, ये मेमोरी सेल को भी बनाते हैं। मेमोरी सेल का भी प्रोडक्शन ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एमएससी क्लास थर्ड की बात कर लेते हैं। ये भी एक डाइवर्स ग्रुप होते हैं, एमएससी क्लास थर्ड आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट सर्व्स ए वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। इसमें बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एमएससी क्लास थर्ड मॉलिक्यूल। थर्ड आर नॉट मार्क ऑन द सेल सरफेस, ये सेल सरफेस के ऊपर मार्क नहीं। अरे तो पुश किए हैं, थैंक्स। तो
इसका मेजर फंक्शन क्या है एमएससी क्लास थर्ड का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मेजर फंक्शन है, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन, जो किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनेसिस के द्वारा, नहीं साइटोकाइंस, कुछ साइटोकाइंस जो रिलीज किए जाते हैं उसके द्वारा अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इन सभी के, इन सभी में ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एक तो इन्फ्लामेशन में, अब ये इन्फ्लामेशन किसके द्वारा हो सकता है, या तो साइटोकाइंस के द्वारा हो सकता है या फिर जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इन सभी के द्वारा जब भी कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पर हमारे जो एमएससी क्लास थर्ड मॉलिक्यूल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोगों ने एक कंप्लीट एमएससी मॉलिक्यूल को देख लिया, एमएससी मॉलिक्यूल होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, कहां पाए जाते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है। तो हम लोग एक बार पुनः से रिवाइज कर लेते हैं, इसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा एमएससी का क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्लास फर्स्ट हमने बताया कि ये कहां पर पाए जाते हैं, क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हैं ये पाए जाते हैं लगभग सभी सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं, ये लगभग सभी सरफेस के सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। इनके पास दो तरह के चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, अल्फा और बीटा चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन से बने होते हैं, जिसमें हमने बताया कि अल्फा चेन के पास तीन सब यूनिट होते हैं, यानी तीन सब यूनिट या डोमेन होते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री, और तीनों ही डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और इस अल्फा चेन के पास तीन तरह के डोमेन्स होते हैं, पहला डोमेन हमने बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जबकि इसके पास बीटा सेल के पास केवल ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, यानी इसके पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और साइटोप्लाज्मिक डोमेन नहीं होते। नेक्स्ट हम लोग बात किया कि यहां पर, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया इसके फंक्शन के बारे में, तो ये हमने बताया कि ये केवल सभी तरह के सेल के सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं और एंटीजन के साथ ये बाइंड करके उस एंटीजन को टी हेल्पर टी सेल के पास एक्सप्रेस करेंगे, फिर वो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर के कई तरह के सेल का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा हमने बताया क्लास सेकंड मॉलिक्यूल, क्लास सेकंड के बारे में हमने बताया कि ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये लगभग जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं और एक्सप्रेस होकर के एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और उस एंटीजन को ले जा करके CD4 टी सेल के सरफेस, टी सेल को प्रेजेंट करेंगे, फिर वो CD4 सेल्स एक्सप्रेस होगा और एक्सप्रेस होकर के कई तरह के मतलब इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जिसमें से वो बी सेल एक्टिवेट होंगे या एक्टिवेट होकर के वो प्लाज्मा सेल बनाएंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे और वो मेमोरी सेल्स उस पर्टिकुलर एंटीजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह से हमने तीसरा देखा, तो इस तरह से हमने एमएससी मॉलिक्यूल को कंप्लीटली पढ़ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में आप कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।